नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच राकेश चौधरी एक और लेके आया आर्मी स्पेशल जीके एंड जीएस की स्पेशल क्लास, जिनका पेपर 13 नवंबर और 15 जनवरी को आर्मी के बच्चों का जो पेपर होना है उनके पेपर के लिए बहुत बढ़िया शानदार जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि तमाशा जो संगीत नाटक या तमाशा जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। तमाशा द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तमाशा जो संगीत नाट्य नृत्य है या जो प्रसिद्ध लोक स्वरूप है ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का? ये महाराष्ट्र का। तमाशा हो गया, लावणी हो गया, दही हांडी हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया। तो ये दोनों या तीनों जितने भी मैंने बोले ये किससे रिलेटेड है? आपके तमाशा से। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको याद रखना है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो भरतनाट्यम क्लासिकल जो डांस है वो यहाँ का बहुत फेमस है। आगे देखिए अगले पे क्या दिया गया है कि गदर पार्टी को किससे स्थापित किया, यानी कि गदर पार्टी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया। याद रखना जो गदर पार्टी की स्थापना है ना ये 1913 में हरदयाल शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी भैया? गदर पार्टी की। ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि शांति निकेतन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। शांति निकेतन की जो शुरुआत की गई वह की गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी कलकत्ता में। वही रविंद्रनाथ टैगोर है जिसे सन 1913 में भारत की ओर से विश्व का सबसे बड़ा सम्मान यानी कि नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य क्षेत्र में। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर बात की जाए ये मैनचेस्टर क्या है तो याद रखना ये जो मैनचेस्टर है ये एक इंग्लैंड का एक प्रमुख वस्त्र काफ़ी बड़ा नगर है, ठीक है ना। तो भारत में ही वैसे पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर तो याद रखना अहमदाबाद को, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो बताना आपको कानपुर। लेकिन यहाँ पूछा इसने दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है ये कहा जाता है तमिलनाडु का जो प्रमुख शहर है कोयम्बटूर, जहाँ पे राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है। कौन सा? कोयम्बटूर, ठीक ना। ये आपको ध्यान देना है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है तो आपका जवाब रहेगा कोयम्बटूर को, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर बताना, और भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपको बताना अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया था, यानी कि जो मुगल का जो शासक था प्रथम बाबर, तो मुगल की जो नींव रखी गई थी ये 1526 में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1526 में। और यही इसी प्रश्न का उत्तर यही है 1526 में, जिसमें बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में हरा कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, जो 1526 से लेकर 1530 तक गद्दी पे रहता है। कौन? बाबर। बाबर के बाद उसका बेटा, बड़ा बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब। ये प्रमुख शासक आपको याद रखना, जबकि मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था 1857 की क्रांति के समय वह था बहादुर शाह जफर, आपको याद रखना है। और इनमें से पूछ लेगा कि बाबर जो है ना, कि बाबर का जो मकबरा है ये कहाँ है, तो यह याद रखना ये काबुल में पड़ता है। तो बाबर का जो मकबरा ये कहाँ है? काबुल में। अगले प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का जो संस्थापक है वो आपको ध्यान देना, लोधी वंश का जो संस्थापक, तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश था। एक तो बात याद रखना दिल्ली सल्तनत काल के 1451 से लेकर 1526 तक लोधी साम्राज्य का
समय रहता है, और जिसमें जो अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोदी, लेकिन इसका जो संस्थापक था वह पूछ रहा है आपसे, तो वह था बहलोल लोदी। और जो सिकंदर लोदी था उसने आगरा शहर की स्थापना की थी, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोदी वंश कौन से साम्राज्य का अंतिम वंश था, तो आपको बताना है दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल का जो प्रथम वंश था वह था गुलाम वंश, उसके बाद आया खिलजी वंश, और उसके बाद आया आपके तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश, सैयद वंश के बाद रहा लोदी वंश, जिसकी नींव रखी थी बहलोल लोदी ने, और अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। अक्सर आर्मी या डिफेंस या एसएससी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए भैया, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, तो कौन सा वह मुगल शासक था, मुगल शासक पूछ रहा है, तो जजिया कर को समाप्त करता है। तो जजिया कर को समाप्त करने वाला तो मुगल शासक प्रथम अगर बात की जाए तो उसने अकबर ने इसे समाप्त किया था, बाद में औरंगजेब ने वापिस जजिया कर को लगा दिया, वो बाद में 1729 में मोहम्मद शाह रंगीला नाम के एक मुगल शासक ने हमेशा के लिए लिए जजिया कर को समाप्त किया गया। लेकिन 712 ईस्वी में सिंध पे जो आक्रमण किया था, कि जो प्रथम अरबी आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम के ही द्वारा सर्वप्रथम जजिया कर की नींव रखी गई थी, वो ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला जो व्यक्ति था वो था फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ क्या पूछा है कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, अकबर। अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिए गए, किसकी समाधि होने के कारण नादेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है, तो आज के दिन यानी कि आज आपको पता होगा गुरु नानक जयंती भी है, लेकिन इसका जो सही उत्तर रहेगा वह रहेगा गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु रहे। कौन रहे, सिखों के 10वें गुरु, और इन्हीं गुरु ने ही हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की सहायता से एक गोविंद सागर जलाशय या झील का निर्माण करवाया, और इनके नाम के पीछे ही जो सिंह की प्रथा है वो केवल इन्हीं गुरु के। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो 1666 में पटना बिहार में हुआ। बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में पंजाब में खालसा पंथ की क्या की थी भैया, स्थापना की थी। वहीं बात की जाए सिख धर्म के अंतिम या 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, जबकि सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे वह थे गुरु नानक। कौन थे भैया, गुरु नानक। अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिया गया है, कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी, तो महावीर जैन कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे, और अंतिम कौन भैया, 24वें तीर्थंकर, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना इनकी जो मृत्यु की अगर बात की जाए, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 468 BC में, 468 BC में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और बताते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी, पावापुरी। कहाँ हुई थी भैया, पावापुरी बिहार में। जबकि अगर बात की जाए इनके जन्म की वह कुंडल ग्राम में, जन्म की अगर बात की जाए तो कहाँ हुई थी, कुंडल ग्राम, ठीक है ना, कुंडल ग्राम के वैशाली यानी कि बिहार में इनकी क्या हुआ था, सॉरी इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का, ठीक है ना, महावीर स्वामी। इनके बचपन का जो नाम है वो वर्धमान है, क्या है, वर्धमान, ये आपको ध्यान देना है। और आप सर पूछ सकता है कि जो महावीर जैन थे ये एक दिगंबर यानी कि जैन में दो होते हैं ना, एक दिगंबर एक श्वेतांबर, तो इन्होंने के ये संबंध किससे थे, दिगंबर यानी कि ये नगण्य थे, क्या थे भैया, नगण्य। आगे देखते क्या दिए गए, देखो साइंस का एक अच्छा क्वेश्चन आया जो आर्मी में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग वह रंग होते हैं जिनकी सहायता से आप अन्य रंगों को भी बना सकते हो। याद रखना प्राथमिक रंग में पीला रंग नहीं होता, प्राथमिक रंग में पीला रंग नहीं होता, इसलिए जहाँ जहाँ पीला मिले तो पीले वाले ऑप्शन को आप काट देना। तो आपका जो राइट उत्तर रहेगा वो रहेगा लाल, नीला और हरा। तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, लाल, नीला और हरा, इन तीन रंगों की सहायता से आप जितने भी आप रंग देखते हो उनका निर्माण किया जा सकता है। रंगों से रिलेटेड एक बात और बता देता हूँ, जो आपने पढ़ा होगा कि ओलंपिक जो ध्वज होता है उसके अंदर जो छल्ले होते हैं फ्लैग के अंदर वो पांच होते हैं, जबकि ओलंपिक ध्वज के अंदर जो कुल रंगों की संख्या होती है वो 6 होती है, क्योंकि जो पांच छल्ले हैं वो एक सफ़ेद छत
चादर पे बने हुए हैं, छल्लों के रंग पांच है जबकि चादर का रंग सफेद है। छल्लों में जैसे आपने देखा होगा काला छल्ला, काले रंग का छल्ला, वो अफ्रीका महाद्वीप की वहाँ के प्लेयर को प्रदर्शित करता है अफ्रीका के काले। लाल की अगर बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। नीले की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है यूरोप के लिए। पीले की अगर बात की जाए तो याद रखना अपने के लिए यानी कि एशिया। और हरे की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया। वहीं अपने तिरंगे की अगर बात की जाए तो भारतीय फ्लैग यानी कि तिरंगे। तो तिरंगे में भी टोटल जो रंगों की संख्या होती है वो आपको तीन नहीं बतानी, वो आपको पांच बतानी। कितनी बतानी, सॉरी पांच नहीं चार बतानी। तो सबसे ऊपर होता है वो होता है केसरिया रंग, गहरा केसरिया। मध्य में रंग होता है सफ़ेद, और जो सबसे नीचे होता है वो होता है हरा। और मध्य के अंदर जो यानी कि बीच में होता है जो सारनाथ के स्तंभ यानी कि अशोक स्तंभ से लिया गया चक्कर, कौन सा, अशोक चक्कर। तो अशोक चक्कर का जो रंग है जिसमें 24 तिल्ली है वो गहरे नीले यानी कि नेवी ब्लू की। इसलिए ऊपर मध्य नीचे और बीच वाले चक्कर, इन टोटल इन सभी इन सब का यानी कि चार रंग आपको ध्यान देने हैं। बस इस वाले प्रश्न में इतना याद रखना है प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, लाल नीला और हरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए भैया। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, अगला प्रश्न कहता है कि गाय के दूध में कौन से तत्व की कमी होती है। तो गाय के दूध में जो तत्व की कमी होती है वो होती है लोहे की। किसकी भैया, लोहे की। गाय के दूध का जो रंग पीला होता है वो कैरोटीन तत्व के कारण होता है। किसके कारण, कैरोटीन तत्व के कारण। जबकि दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो आपके कैसिन तत्व के कारण होता है। और गाय के दूध का जो पीएच मान है वो 6.4 से लेकर 6.8 के मध्य होता है। कितना, 6.4 से लेकर 6.8 के मध्य होता है गाय के दूध का पीएच मान। और गाय के दूध का ही पीएच मान ही माना गया, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में क्या कहता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों में। देखो कर्क रेखा से रिलेटेड क्या प्रश्न आता है, दी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण में लगभग दो समान भागों में बांटने वाली कौन सी अक्षांश रेखा है। तब आपको बताना है सर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से पुकारा जाता है, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। और याद रखना इस कर्क रेखा को दो बार जो काटने वाली नदी है, कि सर कर्क रेखा को दो बार जो काटने वाली नदी है उस नदी का नाम क्या है, उसका नाम है माही नदी। क्या नाम भैया, माही नदी। उसका नाम क्या है भैया, माही नदी। तो ये आपको ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कर्क रेखा से होकर कितने राज्य हैं। तो कर्क रेखा से गुजरते हैं आठ राज्य। कितने राज्य गुजरते हैं, आठ राज्य। लेकिन इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, तो याद रखना सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर आपके मिजोरम। तो इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा बिहार। तो बिहार से ये रेखा नहीं गुजरती, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे देखिए भैया, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब क्या देता है कि योजना आयोग का गठन। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया ये किस वर्ष किया गया है, योजना आयोग। तो आपने सुना होगा कि अब जो वर्तमान में योजना आयोग की जगह कार्य कर रहा है नीति आयोग। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था ये सन 1950 में किया गया। कब किया गया था, 1950 में किया गया था। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह देश के प्रधानमंत्री। लेकिन आज इसकी जगह योजना आयोग ना होकर कौन है भैया, नीति आयोग। कौन है, नीति आयोग, जिसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी यानी कि नौसेना की जो पहली परमाणु पनडुब्बी थी वो देश की कौन सी थी, तो उसका नाम याद रखना अरियंत। कौन सी भैया, अरियंत, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए भाई, छोटा प्रश्न है। तो श्वेतांबर व दिगंबर, देखो थोड़ी देर मैंने पहले भी डिस्कस किया था, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के यानी कि जो मत या संप्रदाय हैं, तो आपको बताना है ये जैन मत के। किसके भैया, जैन धर्म के। किसके, जैन धर्म के। श्वेतांबर वह होते हैं, वह जैन धर्म के अनुयायी होते हैं जो सफ़ेद वस्त्र को धारण करते हैं, जबकि जो नगण्य रहते हैं यानी कि दिशा को ही अपना वस्त्र मानते हैं उन्हें दिगंबर के नाम से यानी कि दिगंबर मत या संप्रदाय से पुकारा जाता है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि माई कंट्री माई लाइफ।
तो माई कंट्री जो माई लाइफ पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है? तो माई कंट्री माई लाइफ बताना है। एक पुस्तक आपने पढ़ी होगी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो तो है महात्मा गांधी की, लेकिन यहाँ पूछ रहा है माई कंट्री माई लाइफ। तो माई कंट्री जो माई लाइफ है ये लाल कृष्ण आडवाणी की है, लाल कृष्ण आडवाणी की, जो बीजेपी के एक सांसद के रूप में आपने कई बार, ये काफ़ी बुजुर्ग भी है, ये देखे भी होंगे टीवी में, वह है ये लाल कृष्ण आडवाणी की। तो माई कंट्री माई लाइफ, एक पुस्तक का नाम आएगा माई मिशन माई लाइफ, वो बाबा रामदेव की पुस्तक है। किसकी? बाबा रामदेव की। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को किस नाम से पुकारा गया था? तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर था तो वो कौन सा था? वह था आपके परम। कौन सा कंप्यूटर था? परम। तो कंप्यूटर से रिलेटेड आप कलर्क की जो तैयारी कर रहा है तो उनके 5 प्रश्न आते हैं, उनके विद्यार्थियों के लिए ठीक रहेगा। जीडी वाले इस पे विशेष ध्यान ना दिए, ठीक है ना, ये इतना प्रश्न नहीं पूछता। इतना पूछ लेता कि कंप्यूटर का जनक कौन था, तो याद रखना चार्ल्स बेबेज याद रखना है कंप्यूटर। वो कंप्यूटर में क्या पूछ सकता है आपको? ज़्यादातर इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, नॉर्मल, ये कलर्क वालों के बच्चों के लिए हो जाएगा, तो इस पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करते। नीचे क्या दिया गया है, अगला प्रश्न देखिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। जबकि अभी वर्तमान में देखा है कि जो महिला वर्ग से हमारे देश में राष्ट्रपति पद को कितनी महिलाएं ग्रहण कर चुकी हैं या ग्रहण पे हैं, तो आपको दो बतानी है, जो वर्तमान में जो एसटी समुदाय से आदिवासी क्षेत्र से है कौन? द्रौपदी मुर्मू, जो 15वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहला पूछा है तो पहली राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगले प्रश्न में क्या कहता है कि संयुक्त राज्य संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त संघ महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर कौन? विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। ये आपको दी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। जबकि यहाँ पूछ लेता है राजकुमारी अमरता कौर, तो राजकुमारी अमरता कौर ये आपको ध्यान देना है, ये प्रथम स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कैबिनेट है, कैबिनेट है जो समूह बना था उसमें मंत्री महिला वर्ग में जो मंत्री थी वो प्रथम कौन थी? राजकुमारी अमरता कौर। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो निम्नलिखित में से भारत किसका उत्पादन अन्य देशों से ज़्यादा करता है उत्पादक? तो अगर बात की जाए तो ये भारत में सर्वाधिक होता है आपके माइका यानी कि अबरक, तो उत्पादन में यानी कि याद रखना अबरक याद रखना है। जबकि कोयले की अगर बात की जाए, कोयला, टीन, सीसा, ये सर्वाधिक उत्पादक देश आपके चाइना आता है। तो आगे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ है? तो नेशनल डिफेंस अकेडमी को शॉर्टकट में कई बार ऐसा लिखा आता है कि एनडीए, एनडीए जो संस्थान है वो कहाँ है? तो एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी है। और ये नेशनल डिफेंस एकेडमी महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक नगर, सॉरी एक जगह है, खड़ंगवासला। कौन सा भैया? खड़ंगवासला, तो खड़ंगवासला पड़ती है। जबकि देहरादून में पड़ती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी पड़ती है देहरादून में, IMA, ये याद रखना आपको। यहाँ एनडीए पूछा है तो आपका उत्तर संख्या बी यानी कि खड़ंगवासला राइट रहेगा। अगले प्रश्न में देखिए भैया, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस SBI कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है फटाफट से। ये पढ़ता है आपके हैदराबाद में, कहाँ पढ़ता है ये? आपके हैदराबाद में। अगले प्रश्न की ओर देखिए भैया, अगले प्रश्न में क्या देगा कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था चौधरी रहमत अली के द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये याद रखना, ये यूनेस्को के द्वारा
दिया जाता है। तो आपको इतना याद रखना, यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पेरिस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पेरिस में पड़ता है, ठीक है ना। तो आगे देखिए भारत, ठीक है ना, तो भारत रत्न के अंदर जो अलंकरण है, यानी कि अलंकरण सर्वप्रथम रजन, यानी कि जो भारत रत्न है पुरस्कार या सम्मान, ये सबसे पहले किसे दिया गया था? ये दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। जब सी राजगोपालाचार्य और सी वी रमन और एस यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तीनों एक साथ ऑप्शन में जब आपको मिले, तो पहली जो प्रायोरिटी है वो सी राजगोपाला को देनी है। नंबर दो पे आप बताओगे सी वी रमन को, और नंबर तीन पे बताओगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के घोषणा करने के बाद इन्हें दिया गया था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या दिया गया, अगला प्रश्न क्या कहता है कि सार्वत्रिक रुधिर प्रदाता कौन है, यानी कि वह कौन सा रक्त समूह है जो प्रदाता यानी कि जो सभी को रक्त प्रदान करता है, तो वह उत्तर होगा ओ। कौन सा होगा? ओ नेगेटिव। कौन सा होगा भैया? ओ नेगेटिव होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो बच्चे भी ज़्यादा बोर हो जाते, तो इसको हम दो या तीन पार्ट में अपने जो टॉप 100 क्वेश्चन उनको हम पूरा कर लेंगे। तो जो भी चैनल को देख रहे हैं यानी कि अपनी वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।